देखो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, हेल्दी क्या होता है। फोटो तो मत दिखाओ हमको, तुम बताओ क्या खिला रही है। इडली। इतना सारा वीडियो देख करके तुम खिलाओ रही इडली? सिखाने के लिए देख रही हूँ। मेरे को नहीं सीखना, मेरे को भी नहीं सीखने का है। ये 2 rupees नॉलेज अपने पास रखो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मेरे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाया था मैंने रातों को, इसीलिए अभी तक वॉश नहीं किया है। तो मैं जल्दी से बालों को धो करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। इतना अच्छा अच्छा कुकिंग चैनल देख करके बाद में खिला रहे हैं इडली। ये सुनो, आज सहजन का सब्जी बनाओगे? पार्ट 2 सहजन का सब्जी। चाचू आप लोग का फायदा उठा रहे हैं दोनों। चाचू आप लोग का फायदा उठा रहे हैं दोनों। कैसे? चाचू के चमचे आपको काट कर दे रहे हैं, फिर आधा काम आपसे करवा रहे हैं। देख रहे हो ये लोग ना व्लॉग के लालच में मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं। सहजन की सब्जी बनवा रहे हैं। सच बता दया, तुम्हारा मन नहीं है? देखिए एक व्लॉगर हमेशा कंटेंट का भूखा रहता है और उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। रोज खाना बनाया। और देखो जो तुम्हारी ऑनलाइन फैमिली है वो भी तो तुमको ऐसे किचन में देखना पसंद करेगी, तुमको हॉल में ना कि सिर्फ कैमरा लिए खड़े देखना पसंद करेगी। बात तो आप लोग सही कह रहे हो। कोई नहीं, लाओ मैं बना देता हूँ। अरे यार नमेश, मैं अच्छा सब्जी बनाता हूँ। नमेश हेल्प करेगा। आज तक कितने दिन हो गए मैंने खाया नहीं, क्या सिर्फ चाय पिया है, चाय दूध देख दिया है इन्होंने अपने हाथों से। आज आज कुछ आज सब्जी दे देंगे, कल झाड़ू पोछा भी कर देंगे, परसों कपड़ा धो देंगे। दो है इसके पहले भी मैं बना चुका हूँ और आज फिर बनाने जा रहा हूँ ड्रम स्टिक की सब्जी। और मैं भी बनाने जा रहा हूँ क्योंकि एक बार जो बना दिया ना सो बना दिया। तो अब घर में जितनी बार ड्रम स्टिक आती है ना लोग बोलते हैं बस मैं बनाऊँ। ऑयल है लेकिन ये मस्टर्ड जी आ गई है। मस्टर्ड ऑयल कहाँ है भाभी? ये भी किससे पूछ रहे हैं कि ये यूज करूँ वो यूज करूँ। दो औरतों के सामने सब्जी बना रहा हूँ, कितना प्रेशर का काम है। अगर एक भी चूप हो रही है, ये नहीं गया वो नहीं गया, पीछे से आवाज आ रही है अरे ये नहीं डाले अरे वो नहीं डाले, आओ बना लो फिर। फोरन लगा करके, क्या बोलते हैं, मेथी का फोरन डाल करके उसमें मैंने कांदा डाल दिया है और अब क्या करेंगे वो बता ही दिए। आज जिसको भी सीखना है सब्जी बनाना सब आ जाए, अब उसका पेस्ट बनाओ। अरे नहीं, सीखने के पर्पज से बताइए, सीखोगे तो फिर जो कल्याण हो जाएगा। ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है, पहले बता रहा हूँ। क्या मैं हाथ लगा सकती हूँ आपकी सब्जी में? बिल्कुल बिल्कुल, एवरी सक्सेसफुल सब्जी बिहाइंड वुमन। हे कितना रॉन्ग बोला, शी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये लो इसको कूटो, कूटो सालों को। देखा काम करवाना चालू। संजीव सर का एक लाइन है, कूटो सालों को, इतना बढ़िया वो बोलते है ना एकदम पूरे। कूटो सालों को। कांदा वाला डालूं? कांदा नहीं, तो आपके कपड़ों पे प्याज की मैं हल्दी की मैं डाल दूं? पहले मसाले में डालो, पहले मसाला भून लो। हां सब्जी सब्जी अच्छी बनने वाली है कि सब्जी का सत्यानाश होने वाला है? टमाटर डाल दो। जो आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो ये मसाले वाला ही पानी आप उसमें डाल दीजिए। सिंपल, आपका जार भी धुल गया और आपका मसाला भी बन गया। मुझे तो खाना मैं ही बना रही हूँ क्योंकि काट कूट के बस मेरा सब तो मैं ही चला रही। अरे जाओ नून नहीं के रसोईया बना था इन्हों। हाथ मेरा लग गया, सब टेस्टी होगा देखना। अब हम लोग एक थंबनेल पिक्चर के लिए एक शॉट देते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट जो
क्लिक करना है कहीं से प्लीज बता। अरे नहीं नहीं पहले कैमरा पे करते तो ना फुट होगा। आ गया वो अच्छा, वो वीडियो में से क्रॉप है। अरे डालो जल्दी, सूख रहा है। क्या डालूं? आलू भूनने बोल रहे हैं और फिर थंबनेल में बिजी हो गए, आलू बिसर गए। आज खाना नहीं मिलेगा, थंबनेल मिलेगा, वीडियो मिलेगी, ब्लॉग मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। देखो एक ब्लॉगर कंटेंट का भूखा होता है, ये ड्रमस्टिक की सब्जी का नहीं। एक इंसान खाने का भूखा होता है, भैया से जाके पूछो इस टाइम कैसे भूखे पड़े होंगे। चलाओ असिस्टेंट चलाओ। चलाओ कब सीखोगी तुम? इतना अच्छा तो चला रही हूँ, इतना अच्छा पति कहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा फील होगा कि मैं ही खाना बना रही हूँ। सच्ची ऐसा ही फील होना चाहिए। जब मैं अच्छा बनेगा सुना सुरी वाह क्या बनाया है, जब ये खराब बने तो मतलब क्या बनाया है। क्या बोलो साफ साफ बोलो, आओ कैमरे के आगे बोल जल्दी के समझ में आ गया। आप लोगों को सुनाई तो दिया, समझ में नहीं आया ना, पति को कुछ समझ में नहीं आता पत्नी की बात। इसके चक्कर में मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलने लगा हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या मतलब। देखो कितना फास्ट बोल रही, कितने शब्द मैं खा जाता हूँ। ये तो मेरी आदत थी कि क्या मजाल कि मैं एक वर्ड भी खा जाऊँ एकदम क्लैरिटी के साथ निकलता था। डेली 25 मिनट का मेरा रीडिंग होता था, हिंदी उर्दू ये सब मैं पढ़ता था। कौन बोला मना किया? क्या मैंने मना किया पढ़ाई करने के लिए? वो तो मैं करता ही हूँ, तो मुझे क्यों ब्लेम कर? तुम्हारा सुन सुन के मैं आधा तो वर्ड खा जाता हूँ। तो मैं तो तुम्हारा सुन के सुधरी नहीं, तुम मेरा सुन के क्यों बिगड़ गए? ऑटो तुम लोग मैं चलाती हूँ यार, टेंशन आ रहा है। अरे चल रहे अभी कितना चल। सुरभि है नाराज, कल मैं जा रहा हूँ शूट पे। तो नाराज क्यों है? सुरभि उदास है। क्यों उदास है मैं आपको बताता हूँ, मैं ही बताऊँगा और कौन बताएगा। तो देखिए बात ऐसी है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इसकी उदासी का कारण मैं हूँ, मेरा काम है। कल शाम को मैं निकल रहा हूँ सूरत, और कल ही मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन के दिन मैं ट्रैवल करूँगा। परसों से मैं कर रहा हूँ क्राइम अलर्ट, बहुत टाइम से क्राइम अलर्ट या क्राइम पेट्रोल ऐसा कोई टीवी शोज मैंने किया नहीं। तो एक तरफ तो खुशी भी है कि आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन दुख भी है कि शादी के बाद पहला जन्मदिन और वो भी मैं अपनी बीवी के साथ नहीं हूँ। मतलब काम इतना ज़्यादा कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कोई नहीं, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वापस लौटेंगे, कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे फिर। नहीं तो सोचा था कि ऐसा कि सुरभि को भी लेके चलते हैं, लेकिन वही है ना बोर हो जाएगी ये। हाँ ऑलरेडी मैं देख चुकी, डोरी अलमारों में गई थी मैं, बाप रे सड़ गई मतलब पक गई। अच्छा बाप रे सड़ गई से एक याद आया कि डोली अरमानों की मैं गई थी ना, एक फोटो इसने क्लिक करवाया। अरे था भगवान प्लीज अब मेरा। बाप रे एकदम सड़ गई थी ये शूटिंग देख करके। बुराई कर रहे तो मेरी बुराई कर रहे, आज की इतने साल पहले की बात है, वो 6-7 साल पहले की। 6-7 साल पहले की मैंने फोटो देखी, 5-6 साल पहले 6-7 साल पहले ये शूट देखने गई थी और फोटो क्लिक कराया। बाप रे एकदम बोर हो गई थी ये। प्लीज यार बुराई तुमने तो खुद की कर लो ना, ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हो? बाप रे सड़ गई थी मतलब सड़ी हुई लग रही थी, कहने का मतलब। नहीं नहीं अरे ऐसा थोड़ी कहा मैंने, बाप रे सड़ गई थी एकदम पक गई थी मतलब अजीब तरीके से वो बोलेंगे, तरीके से ही पता चला है कि मैं वैसे लग रही थी। यार मेरे तरीके पे मत जाओ तुम, हैं मैं मेरे पास 300 तरीके आते हैं, अच्छा वाला तरीका दिखा दूं। 400 आते हैं तुमको, एक भी तरीका आते होंगे लेकिन समझ नहीं पा रही है मेरा तरीका। दिख रहा है तरीका। मेजर अपडेट मैंने आपको सारे दे दिए हैं, अब तो लगता है अगला व्लॉग सूरत जाने के बाद ही बनेगा। अब मुझे अपना बर्थडे वाला भी सेलिब्रेशन कुछ डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं वहाँ गोराई जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज बहुत कट टू कट टाइम है। कल सुबह भी एक शूट है, उसके बाद फिर रात को शाम को निकलना भी है। दोपहर के 2-3 घंटे का टाइम मैं एडजस्ट करने की सोच रहा हूँ कि वो गोराई जाऊँ, ताकि वहाँ पे भी कुछ मेरा व्लॉग वगैरह बन जाए और छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी हो जाए। लेट्स सी कल क्या प्लान होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक कल शेड्यूल रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर यहाँ तक देख लिया हो ना तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जितने भी सब्सक्राइबर आएंगे बस ये व्लॉग्स उनके लिए ही है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए।